मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश का असर देखने को मिल रहा है। बहराइच में उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए एसटीएफ चीफ पहुंचे हैं, हाथ में पिस्टल लेकर सड़क पर उतरे हैं एसटीएफ चीफ अमिताभ यश। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी हैं अमिताभ यश। बहराइच की सड़कों पर उपद्रवियों को दौड़ाया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को लेकर हुई हिंसा में एक युवक की मौत के बाद खूब बवाल हुआ। हाथ में लाठी डंडे लेकर उपद्रवी सड़कों पर उतर गए। उन्होंने दुकानों से लेकर शोरूम तक खूब तोड़फोड़ और आगजनी की। उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए डीएम से लेकर एसपी तक सड़कों पर रहे, लेकिन उपद्रवियों ने किसी की न सुनी। इस घटना पर सीएम योगी ने निर्देश दिया और निर्देश के बाद लखनऊ से एसटीएफ चीफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बहराइच में पहुंचे हैं सड़कों पर। मैसी में पहुंचे, दरअसल मैसी में माहौल बिगड़ा हुआ है। सीएम योगी ने ट्वीट का किया और कहा कि बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में सर्विस पिस्टल लेकर दौड़ाते हुए नजर आए हैं उपद्रवियों को। इस दौरान उनका एक ही अलग रूप दिखाई दिया। एसटीएफ चीफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पुलिस फोर्स के साथ बहराइच की सड़कों पर उतरे और उपद्रवियों को दौड़ाते हुए नजर आए। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए वो अपने हाथ में पिस्टल लेकर निकले। इस दौरान उनके दूसरे हाथ में चश्मा और मोबाइल है। एसटीएफ चीफ के हाथ में पिस्टल देखकर उपद्रवी सरेंडर करते हुए आगे आगे भाग रहे थे, जबकि एसटीएफ चीफ पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अमिताभ यश के इस एक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच हिंसा को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि बवाल को लेकर अफवाह फैलाने वालों से भी सख्ती से निपटे। सीएम योगी ने कहा कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो लखनऊ से उच्च अधिकारियों को भी बहराइच भेजा जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।